हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टम्प्ड बाय मीम्स। आज मैं रिएक्ट करने वाला हूँ कैरीमिनाटी के नया वीडियो के ऊपर, जो कि है डैडी डॉटर लव स्टोरी। कैरीमिनाटी रोस्ट किया है हिंदुस्तानी भाव के ऊपर। ये एक हिंदुस्तानी भाव का शो है, सो देखते हैं मज़ा इसके ऊपर। सो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं कि आपका फेवरेट पार्ट कौन सा है, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गाइस आप भेड़िया का दोगलापन देख रहे हैं? गुड़गांव में रहता ना तू? आजा आजा आजा। अरे कितना चाटोगे, चलो खरगोश को मारने चलना। भाई देख लो, रिकॉर्ड कर रहा होगा। अब कोई ना अपनी सेना बुला लेंगे। भाई सेना नहीं आएगी, आपने उनका भी एड्रेस लीक कर दिया। अब कौन चूतिया मेरे अकाउंट कार्ड में? आप ही हो भाई। सबसे बेस्ट पार्ट ये होता है कैरीमिनाटी के वीडियो का, कि वो जो कमेंट जो हुक डालता है ना स्टार्टिंग का, वो अलग ही वाइब डालता है वीडियो में। ये 15 सेकंड का डायलॉग मारा है, इसमें भी बहुत डार्क है। अगर आप लोग समझ सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा आप लोग। तो बेसिकली ये एक हुक जो था, ये एल्विश और रैंडम सेना के बीच में जो कंट्रोवर्सी हुआ था, उसका एक हुक है जो इसने ऐड किया है। सो जो व्यूअर्स है उनको रिलेटेबल लगे, तो इसीलिए वो ऐसा वीडियो बनाता है। ओ भांचोद यार, तुम्हें कितनी बार बोला मुझे नशा करने से रोक लिया। मैंने रोकने की कोशिश करी थी, आपने मेरे एड्रेस लीक करने की धमकी दे दी। अरे छोड़ो, गाड़ियां निकालो, चलो। गाड़ियां? भाई आप तो अकेले जाने वाले थे। चल्ला नहीं चल्ला, चल्ला नहीं चल्ला। हां भाई, हां भाई, तो चलो कूटे उसे। मीडिया भाई के सामने को तेरी बाढ़ की साढ़े ज्यादा ट्वीट करेगा। अरे भाई रुको 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 रुको, एंगेजमेंट बढ़ गई, एंगेजमेंट बढ़ गई। गाइस थैंक यू फॉर 1 मिलियन फॉलोवर। मैं और भेड़िया भाई बचपन से दोस्त हैं। तुम लोग चूतिया भाई, चारा ऑन टॉप। मैं चला फ्री फायर खेलने। तो कैसे हैं आप लोग? प्रॉब्लम एक औरत है जो कि पहले एक लड़की थी, उसके बाद एक औरत बनी। हाय, लड़की औरत ही तो बनेगी, गंडवी थोड़ी हो जाएगी। ये कौन गुलजार का चौथा स्क्रीन पे लिख रहा है? सोचो तुम रात को टीवी देख रहे हो और एक नंबर वॉल्यूम ऊपर कर देते हो, लेकिन फिर तुम्हारा बाप आ जाता है। आवाज बंद, आवाज बंद कर। आज हम एक ऐसा शो देखने वाले हैं जिसके होस्ट ने अपना 40 साल का नाबालिग जीवन गाड़ी में गुजारा है। हिंदुस्तानी भाव, भाव ये शो नहीं चला रहे, दुनिया को चुतिया बना रहे, क्योंकि लोगों की दिक्कत है। सुन लो, मैंने अपनी बेटी को अपने पति के साथ सेक्स करते देखा। इसमें भाव क्या करेंगे? बाप बेटी के बीच में लेट जाए या बाप को बोल दे लौड़े यहाँ से निकल। तो आओ यार, देखते हैं भाव का नाजायज इंसाफ और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। एक तो आज मेरे पहली सर में दर्द हो रहा, मैं तो गोली खा रहा हूँ। नायक की दवाई से प्रेग्नेंट हुई थी। अरे बहन चोच, अरे हमें क्यों डरा रही हो? पति चूतिया क्या, उस पर भरोसा नहीं है तो बहुत ही गुस्सा हो रहा होगा। नायक ही वो आदमी है जिसकी वजह से हमारे घर में बच्चे की किलकारी घुस सकती है। तू बैठ के हिला रहा है क्या? नायक को तो पति प्लेयर बना दी। कौन है नायक? अबे खुदा लग रहा बच्चा पूरा कहां से कर देगा, और बीमार और लग रहा है बच्चा होना हो एड्स जरूर दे देगा। और इसकी दाढ़ी देख लो, 4 किलोमीटर दूर से भी नकली लग रही है। खैर छोड़ो, भाव को इससे बात करने देते हैं। भाव भाव आजकल बात कौन करता है, कूटने में ज्यादा मजा आ रहा है। और तुम लोग को और एक जादू देखने गए? अरे खुलासा, ये तो हमें पता ही नहीं था। सेट पे जो चाय बेचता उसे दाढ़ी लगा के बैठा दिया। क्यों? ताकि भाव अपना हाथ गर्म कर सके। हम लोग गिने चुने लोगों को ना, जो सच में जेनुइन है, उनको यहाँ पे बुलाते हैं। भाव को पता ही नहीं है शो स्क्रिप्टेड है, शो वाले मजे ले रहे हैं। भाव भावनाओं में इतना बह जाते हैं, एक्टर्स की लाइन ही खा जाते हैं। हंस रही है। बोलनी तो दो। अब क्या बोलेगी, कैरेक्टर तो टूट गया। पूरा शो स्क्रिप्टेड है, बस भाव स्क्रिप्टेड नहीं है। मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मुझे मेरा बच्चा, और मुझे 100 मिलियन सब्सक्राइबर चाहिए। थोड़ी दिलवा देंगे? आपने मेरा बच्चा नहीं दिलवाया ना, तो मैं ये जहर खा लूंगी। नौटंकी देख लो, इसके 50 रुपए ओवर एक्टिंग के तब काटते जब उतने मिले होते, इससे ज्यादा महंगे तो कोटी वाली के रेट है। एक लव लेटर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मैं चाहता हूँ कि आप इस लेटर को पढ़े। अरे भाव से लेटर क्यों पढ़वा रहे हो? भाव ने इंग्लिश का पेपर भी हिंदी में दिया था। इट्स ओके, या नीचे हिंदी में लिख देता हूँ ताकि भाव को भी समझ आए। मेरे पापा ने ये लेटर मेरी गर्लफ्रेंड के लिए लिखा है। तो तू डाकिया बनके क्यों घूम रहा है? भाव गांड फाड़ देते, तेरे से चिट्ठी नहीं फाड़ी गई। आओ इस चूजे की गर्लफ्रेंड से मिल लेते हैं। मैं भी चाहती हूँ कि बॉलीवुड में मेरा भी आपकी तरह नाम हो। है? भाव का अपने गांव में नाम नहीं है, बॉलीवुड में कब से आ गया? क्या औरत है, कैटवॉक सीख ली लेकिन दिमाग से तो लंगड़ी रह गई। वो मेरी जरूरतों को पूरा करते हैं। योर फादर कीप्स मी सैटिस्फाइड बैड। अब शिक्षा केंद्र की छठी फेल औरत, पहले बोलना सीख ले। सैटिस्फाइड बैड, यहाँ डैडी इश्यूज नहीं है, डैडी ही इशू है। भाव में जवान हूं और अपने बेटे से ज्यादा जवान हूं। अनिल कपूर के 14 चूचे निकल रहे हैं और दाढ़ी के साथ चाट भी सफेद हो रखी है। जवान निकल के बता, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। स्प्लिट पर्सनालिटी नहीं है, ये चूतिया है। कौन है दूसरी लड़की? मम्मी आप
क्या मम्मी आप? अबे ये कैसी रिश्तों में चोदने की आदत है? तो स्नेक वाली गेम खेल रहा है, एक दिन खुद ही को चोद देगा। और इससे पहले ये लड़की कह रही थी लड़की चाहती है आपके फादर के साथ सोना। कट्टू मम्मी आप लिटरली मां चोदती है भैया जी। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? मेरी गर्लफ्रेंड नेहा के दो को बॉयफ्रेंड। तो तू क्या कर रहा है? वो जब थ्रीसम करते होंगे तू बैठ के एक्सेल शीट बनाता है क्या? इसमें तो बहुत ही इंटरेस्ट आ गया। नहीं कैसे चलता है सिस्टम? महीने में 13 दिन मुझे डेट करती है, 13 दिन ऋषि को डेट करती। तो ओड वाले जितने दिन है वो मेरे हैं और इवन वाले ऋषि। तो ओड वाले जितने दिन है वो मेरे हैं और इवन वाले ऋषि। आज क्या दिन है? इवन डे। तू यहाँ क्या कर रहा? देखने आया क्या? दूसरे लौंडे से दिक्कत नहीं होती? बॉयफ्रेंड इन लॉ होने के बावजूद भी हम बेस्ट बडीज बन गए। सन इन लॉ सुना है, फादर इन लॉ सुना, बॉयफ्रेंड इन लॉ क्या होता है? मुझे एक दूसरे से दुश्मनी होगी, इन चूतियों ने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है। इन चूतियों ने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, इन्हें लग रहा सही है दबाने को मिल रहा है। अबे साले तुम खुद दब रहे हो। लेकिन अभी रुको जरा, सबर करो। ये तो सुनो भाव, लड़की के बारे में क्या कहते हैं? वो उसके जगह पे सही है, उसका तरीका अलग हो सकता है मगर उसकी नीयत नहीं। भाव सिंपल बनना था, सिंप नहीं भाई, ये इम्पॉसिबल है। मतलब भाव क्या बोल रहे हैं भाव? नहीं बन सकती भाव। ये शब्द यूज किया ना, उसकी आधी गोलियां तेरे भी गांड में डाल दूंगा। कितने अच्छे हैं भाव, लेकिन जब लौंडो पे बात आती है। मेरे पति कभी कभी तेरे वो तो भी मेरे पति कभी भी पिता नहीं बन सकते। नेटवर्क में प्रॉब्लम तेरे, वो तो बेचारी वाईफाई ढूंढेगी ना। बाकी गोलियां तुम्हारी गांड में डाल दे। ज्यादा गर्म होने की जरूरत नहीं। कितने अच्छे हैं भाव, किसी पे हाथ उठने नहीं देते। मेरे तरफ से भी दो। लौंडो का तो कुत्ता ही बना रखा, लेकिन भाव की जब अपने पे बात आती है ना, लौड़ी है लौड़ी। लेकिन नहीं नहीं, इतने अच्छे हैं भाव, अच्छाई की परछाई में उड़ते पंछी हैं भाव। अब सोचो प्रिंसिपल ने तुम्हें अपने ऑफिस बुलाया, लेकिन प्रिंसिपल भाव है। तेरे को बैठने को बोला? बोला उठ उठ खड़े रहो। अरे भाव अभी तो बस आया ही है, क्यों फट रहे हो? बैठ बैठ तू अभी बैठ, लौड़े खड़ा रहे। अरे लेकिन फिर बुलाया क्यों यहाँ पे? तेरी गांड मारने के लिए बुलाया हूँ मैं। तो गांड मारना क्या होता है बेटा? उसका डायग्राम नहीं होता, उसका तो प्रैक्टिकली होता है। आओ केविन। इसने मुझसे कहा था ये माधवी को पटाना चाहता था कि माधवी इसे सारे रैंक्स में नंबर वन पहुंचा। अबे ये क्या हो रहा है? स्टूडेंट अपने टीचर के साथ चीट कर रहा है, गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड के बाप के साथ चीट कर रही है, और स्टेप फादर अपनी बेटी के साथ चीट कर रही है। एक मिनट, कहां देखी है ये कहानियां? जिन लोगों ने पहले गेस कर लिया, रिस्पेक्ट। बादशाही मुठल हो तुम, और पॉर्नहब की तरह भाव का क्योंकि कोई कंक्लूजन ही नहीं है, लेकिन भाव को सब थैंक यू जरूर बोल के जाते हैं। थैंक यू भाव। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट भाव। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं, इस बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी में काम देने के लिए, इसीलिए आपका थैंक यू, दिल से थैंक यू। अबे इससे बढ़िया तो राखी का इंसाफ है। तुमने मुझे ए चिल्लाओ के नहीं, तू चिल्ला मत, झूठ मत बोल। इंसान करेगा भाई, इतनी गालियां मुझे बीप करना पड़ रहा है, बस हो गया खत्म, गायब। अब अगर तुम भी अपनी प्रॉब्लम लेके भाव के पास जाना चाहते हो तो लाइक मारो, एम करते हैं 4 मिलियन लाइक्स के लिए। अरे कर दे भाई यार, कर दे प्लीज, कर दे यार, वरना तेरी गांड मारा थाईलैंड जाके। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ कॉन्ट्रोवर्सी करो या भाईचारा, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब बेबी पहली फुर्सत में निकलने जा रहा हूँ, बाय। भाई कैरिबिनाटी का हर एक वीडियो में सेंस ऑफ ह्यूमर ओपी है, जस्ट क्या थोड़ा बहुत स्लैंग्स यूज करते हैं जो आप लोग को ऊपर है। आप लोग देखना चाहते हो तो देख सकते हो, नहीं देखना चाहते हो तो वो आपके ऊपर है। यही था आज का रिएक्शन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।